हेलो फ्रेंड, मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में किस तरह से आप मतलब एडमोब का अकाउंट कैसे बनाते हैं। अगर आपको एडमोब का गूगल एडमोब का अकाउंट आपको नहीं बनाना आता है, आपको उसमें आपको आप किस तरह से आप अपने अपने ऐप को किसी भी ऐप को मतलब उसमें आपको ऐड आपको ऐड लगा कर किस तरह पैसे कमा मैं पूरा बताऊँगा इस वीडियो में। तो फिर चलिए शुरू करता हूँ किस तरह से आपको एडमोब का अकाउंट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको कोई ब्राउजर में आपको आना पड़ेगा क्रोम ब्राउजर में। मैं आ गया हूँ क्रोम ब्राउजर में, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, देखो मैं आपको बता दूँ आपको इसमें लिखना पड़ेगा गूगल एडमोब। चलिए मैं लिखता हूँ उसमें गूगल एडमोब, आपको यहाँ पे आना है, उसको आपको यहाँ पर लिखना है एडमोब। चलिए मैं इसे लिख रहा हूँ आपको एडमोब, जैसे आप लिखेंगे एडमोब इसको सर्च करेंगे देख रहे हैं अपन इसमें नीचे आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके लिखा नहीं देखा यहाँ पर दिखा रहा है आपको एडमोब गूगल, देखो एडमोब डॉट गूगल डॉट कॉम, देखो इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा एडमोब गूगल डॉट कॉम पर, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ आपको, जैसे अब इस पर क्लिक करेंगे देखो खुल गया इस तरह से आपको। तो फ्रेंड आपको बता दें यहाँ पर देखो मैं इस तरह से वो खुल गया आपको, देखो फ्रेंड आपको इस तरह से अर्न मोर विथ योर ऐप से आपको देखो मैं ऑडियो अर्न मोर विथ योर ऐप से यहाँ पर देखो मैं कोई भी आपको इसमें आपको अर्न कर सकते हैं, कोई भी आपको इसमें ऐड लगा कर ठीक है। चलिए मैं अभी देखो नीचे आपको देखो मैं आपको डेस्कटॉप मोड पर चले मैं इसको क्लिक कर चुका हूँ डेस्कटॉप मोड पर, उस पर देखो देखो अर्न मोर विथ योर ऐप से इस पर क्लिक करेंगे गेट स्टार्ट पर। आपको सबसे पहले इसको क्लिक करना पड़ेगा गेट स्टार्ट पर, जैसे अब इस पर क्लिक करेंगे गेट स्टार्ट पर तो टाइम लग रहा है खुल रहा है, देखो अब इस तरह से खुल गया। देखो आपको यहाँ पे देखो मैं वेरीफाई डेट यू, आप देखो आप जो आपको ईमेल आईडी है उसमें आपको वेरीफाई करने के लिए नेक्स्ट करेंगे, आपको नेक्स्ट करेंगे जो पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो इसमें पासवर्ड डाले हुए हैं पासवर्ड आपको ईमेल आईडी में है उस पर आपको इसमें डालेंगे। चलो मैं इसमें नेक्स्ट करूँगा, जैसा आप इसको नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट करने देखा यहाँ पर देखो मैं आपको इंटर योर पासवर्ड, इसमें आपको जो पासवर्ड है उसमें आपको इसमें फिल करेंगे पासवर्ड फिल करेंगे। चलो मैं इस पासवर्ड में फिल कर चुका हूँ, या फिर उस पर नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट करेंगे, जैसे आप इसको बता दें आपको नेक्स्ट करेंगे। चलिए मैं इसमें नेक्स्ट करता हूँ तो टाइम लग रहा था अपना इसमें, जैसे अब इसमें देखो आपको इसमें नेक्स्ट करेंगे थोड़ा देखो इसको खुल गया आपको, देखो यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर देखा लिखा हुआ यहाँ पर वेलकम टू एडमोब साइन अप, यहाँ पर नेम मेरा देख रहे हैं यहाँ पर देखो यहाँ पर पब्लिश आईडी मेरा सो रहा है हो रहा है पब्लिश आईडी मेरा प्लस हो रहा है, यहाँ पर देखो कंट्री आपको इस पर टाइम जो है आपको अकाउंट आपको एड्रेस आपको पूरा एड्रेस मेरा प्लस में फिल कर चुका हूँ। अगर आप मतलब गूगल अकाउंट में आपको जाकर फिल कर चुके हैं ई मेल आई डी जी मेल आई डी में तो उसमें आपको फिल करने की कोई जरूरत नहीं यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, अभी मैं पहले से यहाँ उसमें मैं फिल कर चुका हूँ इसलिए मेरा उसमें शो हो रहा है यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं। देखो आपको बिलिंग करेंसी आपको इसमें आपको चुनना पड़ेगा आपको यूएस डॉलर ठीक है, आपको उसमें टाइम जोन में आपको देखो कलकत्ता चुनना पड़ेगा आपको, अगर आप इंडिया से हैं तो लोकल कलकत्ता चुनना पड़ेगा आपको ठीक है। देखिए यहाँ पर देखो पूरा मैं देख रहा है पेमेंट करेंसी देखो मैं यूएस डॉलर मेरा प्लस है इसमें आपको आती है, इसमें आपको देखो पूरा इसमें नेम भी पूरा देख रहे हैं यहाँ पर आपको कंट्री आपको सिटीजन आपको उसमें देख रहे हैं अकाउंट टाइप इंडिविजुअल आपको पब्लिशर आईडी मेरा भी इसमें सब इसमें पूरा शो हो रहा है इस तरह से आप देख सकते हैं। देखो आपको इसमें टर्म कंडीशन कुछ दिया गया है देख रहे हैं इस तरह से आपको देखो पूरा टर्म कैसे इसको आपको रीड कर सकते नहीं था इसको आपको छोड़ देंगे उसको आपको उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर देखो मैं आपको आई एग्री इस पर क्लिक करना पड़ेगा, आई हैव रीड एंड एग्री टू अवेलेबल टू ट्राई देखो इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद देख रहे हैं नीचे आपको कुछ छूट रहा है इसमें नहीं तो आपको क्रिएट एडमोब अकाउंट इस पर इसको आपको आपको टिक मिला जाता ठीक है। देख लेता हूँ देखो मैं आपको आ गया इस पर क्रिएट एडमोब अकाउंट इस पर क्लिक करेंगे, आपको जैसे अब इस पर क्लिक करेंगे क्रिएट एडमोब अकाउंट आपको देखो यहाँ पर इस तरह से आपको थोड़ा टाइम लग रहा है देखो यहाँ पर खुल गया नीचे यहाँ पर देख रहे हैं इसमें आपको शो हो रहा है आपको बता रहा है आपको एडमो की तरफ से जो आपको मेल आएगा तो आपको यस कीजिएगा आपको ईमेल आईडी पर यस कीजिएगा तो इसमें आपको मेल आएगा आपके अकाउंट में ईमेल आईडी पर, आपको नहीं फिर नो कीजिएगा तो आपके ईमेल आईडी पर मेल नहीं आएगा। तो चलिए मैं यस करूँगा इसमें पूरा मैं यस टिक मारूँगा क्योंकि मेरा जो भी ईमेल आईडी है उसको आपको ईमेल आईडी एडमो पर जो भी मेल आए मेरे ईमेल आईडी पर आए इसमें यस करूँगा पूरा मैं टिक मारूँगा यस में उस पर आपको नीचे आपको देख रहे हैं ऊपर जाएगा यहाँ पर दिखा नीचा हुआ ये पर लिख रहा है इस पर आपको चलिए बताओ आप किस पर क्या लिखा हुआ है देखो ये पर लिखा हुआ है यू आर सक्सेसफुली क्रिएट योर एडमोब अकाउंट, देखो इस पर क्लिक करूँगा अब नीचे आपको कंटिन्यू टू एडमोब इस पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू एडमोब, जैसे अब इस पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू एडमोब पर थोड़ा टाइम लग रहा है देखो मैंने इस तरह से देखो आपको इस तरह से खुल गया आपको कंटिन्यू टू एडमोब अकाउंट इस पर पूरा मैं खुल गया देखो इस तरह से आपको होम में सबसे पहले आपको इसमें आपको ऐप में जाना पड़ेगा नीचे आप देखो मैं नीचे आपको इस पर क्लिक करेंगे गेट स्टार्ट पर इस पर क्लिक करेंगे, जैसे अब इस पर बताता है जैसे अब इस पर क्लिक करेंगे गेट स्टार्ट पर जैसे अब इस पर क्लिक करेंगे गेट स्टार्ट पर देखो वो इसमें आपको चार तरह की इसमें ऐड आपको बता देगा आपको किस तरह से आपको ऐड आपको आईडेंट आपको इसमें क्रिएट करना है। चलिए बता दूँ आपको इस तरह से इस पर क्लिक करूँगा गेट स्टार्ट पर
तो फिर चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ गेट स्टार्टअप पर। जैसे अभी इस पर क्लिक करेंगे आपको बता दें, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा गेट स्टार्टअप पर। जैसे इस पर क्लिक करेंगे और नीचे आपको बता दें, आपको इसमें बता रहा आपको हैव यू पब्लिश योर ऐप गूगल प्ले स्टोर, ठीक है। इसका मतलब हुआ है ये, अगर आपका ऐप प्ले स्टोर में आपको पहले से इसमें पब्लिश है तो उसमें आपको यस करेंगे, अगर पब्लिश नहीं है प्ले स्टोर में तो उसमें नो करेंगे। मेरा पब्लिश नहीं है प्ले स्टोर में तो इसमें नो करता हूँ मैं, इसमें नो पर टिक मारूंगा। आपको पब्लिश में है तो इसमें आपको यस करेंगे, ठीक है। तो मैंने चलिए मैं नो है तो इसमें नो पर इस पर टिक करूँगा। आपको देखो मैं नीचे लिखा हुआ आपको इंटर योर ऐप इन्फॉर्मेशन, ये देखो आपको इसमें आपको देखो प्लेटफॉर्म आपको एंड्रॉइड में डाला हुआ है, आपको आपका एंड्रॉइड में डाला हुआ है तो आपको iOS में डाले हुए हैं, दोनों में आपको इसमें टिक करेंगे। आप अपने हिसाब से आपका ऐप किस में डाला हुआ है चलिए बता दो आपको। इसमें हम लिखूँगा ऐप का नाम भी इसमें लिखूँगा मेरा, चलो मैं मेरा एक ऐप है फोटो एडिटर, चलो पूरा मैं फिल करता हूँ फोटो एडिटर, ठीक है। इसको कैप्चर करूँगा इसको फोटो एडिटर, तो वो मेरा मेरा प्लेटफॉर्म देखो एंड्रॉइड में है तो मैं इसमें एंड्रॉइड पर टिक मारूँगा। जैसे अभी एंड्रॉइड पर टिक मारेंगे आपका ऐप की किस प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। मेरा 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 ऐप एंड्रॉइड पर है, ठीक है। मैं बताऊँगा आपको एंड्रॉइड पर है तो iOS में नहीं है तो मैं एंड्रॉइड पर इस पर टिक मारूँगा एंड्रॉइड पर, ठीक है। चलिए मैं एंड्रॉइड पर टिक मारता हूँ, नीचे आपको जाते हैं स्क्रॉल करते हैं, देखो नीचे आपको नीचे देख रहे हैं इस पर ऐड, आपको इस पर क्लिक करेंगे ऐड पर। जैसे अभी इस पर क्लिक करेंगे देखो नीचे आपको देखो क्रिएट ऐड यूनिट, देखें आपको ऐप का देखो यहाँ पे आपको आ गया आपको फोटो एडिटर, देखो आपको कांग्रेस योर ऐप हैज बीन एडेड टू एडमोब, ठीक है। आपको एडमोब अकाउंट में आपको आपका ऐड आपको ऐप ऐप इसमें ऐड हो गया, देखो आपको इसमें आपको देखो ऐप आई डी इसमें बता रहा है आपको, देखो देखो आपको क्रिएट ऐड यूनिट इस पर आपको इस पर टिक माना पड़ेगा क्रिएट ऐड यूनिट पर। जैसे इस पर क्लिक करना देखो आपको चार तरह के इसमें ऐड आपको हो जाएगा, देखो बैनर ऐड इंटेसिलियल ऐड आपको रिवार्डेड ऐड आपको ऐड है जो आपको नेटिव ऐड है ऊपर मैं बताऊँगा पूरा बनाऊंगा इस वीडियो में। मैं चार वर्ड को मैं बताऊंगा आपको, चार वर्ड में बैनर ऐड क्या है, इंटीशियल ऐड क्या है, रिवार्ड ऐड क्या है, नेटिव ऐड क्या है, मैं पूरा बताऊंगा आपको इस वीडियो में। चारों में बताऊंगा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि चारों ऐड आपको थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा इस वीडियो में क्या है, ठीक है। तो बैनर ऐड क्या है मैं सबसे पहले बताऊँगा आपको, बैनर ऐड उसे कहते हैं तो फिर आपको जिसमें आपको बताते हैं बैनर ऐड उसे कहते हैं जो आपको जो आपके स्क्रीन पर जो आपको आपको ऐड शो होता है उसमें देखो ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा उसमें ऐड शो होता है, देखो आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा है आपको इस तरह का आपको ऐड शो हो रहा है उसे आपको बैनर ऐड कहते हैं। आपको इंटीशियल ऐड उसे कहते हैं जो आपको फुल होता है आपको और फुल आपको फुल आपकी स्क्रीन पर होता है उसके उसे कहते हैं इंटीशियल ऐड। उसके बाद आपको बताते हैं रिवार्ड ऐड उसे कहते हैं रिवार्ड ऐड जो आपको पूरा आपको वीडियो में पूरा आपको वॉच करता है फुल वीडियो वॉच करता है उसे आपको रिवार्ड ऐड कहते हैं। और देखो नेटिव ऐड उसे कहते हैं जो आपको अपने हिसाब से आप इसमें ऐड लगा सकते हैं, उसमें नेटिव उसमें आपको चेंज कर सकते हैं उसे इसको हटा सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको नेटिव ऐड को अपने हिसाब से इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है आपको, ठीक है। मैं चलिए बताता हूँ आपको इस तरह से आपको बैनर ऐड का आईडी कैसे इसमें क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसमें बैनर आईडी ऐड पे इस पर क्लिक करना पड़ेगा, देखो मैं सिलेक्ट पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट पर देखो नीचे आप देख रहे हैं आपको ऐड फॉर्मेट आप देख रहे हैं नीचे आपको बैनर आपको ऐड यूनिट नेम देखें इस पर आपको इंटर ऐड यूनिट नेम इस पर क्लिक करेंगे ऐड यूनिट नेम पर इसमें बैनर लिखेंगे। चलो मैं इसमें लिखता हूँ बैनर, जैसे अभी इसमें लिखेंगे बैनर लिखेंगे बैनर लिख के नीचे देख रहे हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर आप क्रिएट ऐड यूनिट देख रहे हैं इस पर आपको देख रहे हैं क्रिएट ऐड यूनिट देख रहे हैं इस तरह से आपको बता रहे हैं आपको क्रिएट ऐड यूनिट इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा क्रिएट ऐड यूनिट पर। जैसे अभी इस पर क्लिक करेंगे तो टाइम लगेगा देख रहे हैं आपको इस तरह से आप नीचे आपको देख रहे हैं क्रिएट आपको देख रहे हैं ऐड यूनिट सक्सेसफुल क्रिएट है यहाँ पर देख रहे हैं ऐड यूनिट सक्सेसफुल आपको क्रिएट हो गया देख सकते हैं नीचे आपको देखो नीचे आपको देखो एक नंबर पर देखो आप CS/App/ पब्लिशर ऐड देखो नीचे आपको यहाँ पर शो रहा है आपको जिसे आपको उसे कहता है जो आपको प्ले स्टोर में जो कोई भी आप अगर आप पहले से कोई भी प्ले स्टोर में डाल चुके हैं ऐप आपको तो उस पर उसके लिए उसमें इसका इसको देखो पब्लिशर ऐड को कॉपी करके उसमें पेस्ट करेंगे तो उसमें आपको आपका ऐप में ऐड आने लगेगा, ठीक है। इस तरह से आप इसमें कर सकते हैं। चलिए बताऊँ आपको दोनों बता दो आपको ऐप बनाया उस ऐप को पब्लिश उस ऐप को आप अगर आप गूगल प्ले स्टोर में डाल नहीं है तो उसके लिए है आपको देखो नीचे आपको देखो मैं आपको गूगल आपको इस पर कॉपी करके इसमें हम डाल देंगे जैसे आपको पब्लिश उसमें पब्लिश नहीं किए हैं तो उसमें डाल देंगे तो आपको आपका ऐड में उसमें ऐड आने लगेगा, ठीक है। चलिए मैं इसमें डन करता हूँ आपको किस तरह से इसमें डन करते हैं। जैसे आप इसमें डन करेंगे देखो नीचे आप देखो मैंने आपको देखो मेरा क्रिएट हो गया एक आप एक देखें इसमें क्रिएट हो गया। चलिए मैं इसको कॉपी कर सकूँ कॉपी कर सकते नहीं आपको इसमें रख सकते हैं इसको नोट पैड में कॉपी कर सकूँ कि आपको इसमें बुलाएगा नहीं, ठीक है आपको, ठीक है। चलिए मैं देखो ये कॉपी कर सकता हूँ इसमें आपको नोट पैड में इसे सेव करूँगा नोट पैड में उसको देखो आपको इंटेंशियल ऐड इस पर क्लिक करूँगा आपको इंटेंशियल ऐड पर जैसे इसमें देखो सिलेक्ट करेंगे देखो देखो ऐड फॉर्मेट आपको इंटेंशियल आपको देखो देखो ऐड यूनिट नेम आपको देखो इंटर ऐड नेम, ठीक है ऐड यूनिट नेम। चलिए मैं इस पर ऐड यूनिट नेम दे देता हूँ इंटेंशियल ऐड नेम दे देता हूँ चलिए मैं दे देता हूँ इंटेंशियल ऐड टाइम लग रहा है
देखिए मैं तो पूरा देख पर पूरा मैं फिर कर चुका हूँ। देखो उस पर आप देख रहे हैं, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा क्रिएट ऐड यूनिट पर। जैसे मैं इस पर क्लिक करें क्रिएट ऐड यूनिट पर, देखो इस तरह से आपको इस पर तो दोनों आपको शो हो जाएगा। आपको नीचे वाला आपको इसमें कॉपी कर चुके हैं, कॉपी कर लिए हैं, उसको नोट पैड में कहीं आप लिख लेंगे आपको, ठीक है। चलो मैं इसको कॉपी कर चुका हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, नोट पैड में लिख लेता हूँ आपको। नोट पैड में जैसा भी इसमें लिखेंगे उसमें डन कर देंगे, ठीक है। चलिए मैं इसे डन करता हूँ, दो नंबर हो गया। तो टाइम लगा देगा वो, रिवार्डेड ऐड पर चलता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, रिवार्डेड ऐड पर सेलेक्ट करेंगे इस पर आपको, रिवार्डेड ऐड पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे रिवार्डेड ऐड पर, थोड़ा टाइम लग रहा है रिवार्डेड ऐड। देखो सॉरी फ्रेंड, वही से वहीं पर खुल गया वो, देखो चलिए फिर से इस पर खोलता हूँ रिवार्डेड ऐड को, सिलेक्ट करता हूँ, देखो नीचे आपको देख रहे हैं रिवार्डेड इंटर वन, ठीक है। ऐड यूनिट देखो इस पर क्लिक करेंगे आपको, ऐड यूनिट नेम पर आपको इस पर क्लिक करेंगे, ऐड यूनिट इस पर लिखेंगे रिवार्डेड ऐड का नाम देंगे। चलिए मैं ऐड का नाम देता हूँ रिवार्ड ऐड, इसमें जैसे अभी इसमें क्लिक करेंगे रिवार्ड ऐड, ठीक है। देखो इस तरह से आपको फिल हो गया। देखो नीचे आपको आएंगे, आपको क्रिएट ऐड यूनिट से इस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट ऐड यूनिट पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे क्रिएट ऐड यूनिट पर, देखो इसी आपको देखो नीचे आपको आपको हो गया, आपको देखो नीचे आपको CA+CSLS पब्लिश ऐड को इस पर कॉपी कर चुके हैं, कॉपी कर लिया है, कॉपी कर लेते हैं। चलिए जैसे अभी इसको कॉपी कर लेंगे, इसको कहीं आपको नोट पैड में नेट के निकलेंगे, इसको आपको सेव ही याद रहेगा, ठीक है। डन करेंगे उसके बाद आपको देखो क्रिएट ऐड यूनिट, फिर चलिए मैं नेक्स्ट करता हूँ आपको, ठीक है। ऐड यूनिट नेक्स्ट कर इस पर चलते हुए नेक्स्ट करता हूँ, नीचे आपको वो नेटिव ऐड इस पर क्लिक करता हूँ आपको, सेलेक्ट पर सेलेक्ट करता हूँ नेटिव ऐप को, जैसे इस पर सेलेक्ट करेंगे देखो नीचे आपको यहाँ पर देख रहे हैं नेटिव ऐड, नेटिव इंटर इंटर ऐड नेटिव ऐड नेम, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ नेटिव ऐड, ठीक है, सिर्फ नेटिव एडवांटेज लिख देता हूँ। उसके बाद आपको देखो मैंने क्रिएट ऐड यूनिट इस पर क्लिक करना पड़ेगा, नीचे आपको देखो नीचे आपको नीचे नीचे दिख रहा है क्रिएट ऐड यूनिट इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखो आपको चारों आपको इसमें पूरा आपको ऐड बता, देखिए चारों ऐप का ऐड आई डी यूनिट क्रिएट पूरा हो गया। मैं बताऊंगा आपको एक नंबर में, देखो फिर से मैं बता रहा हूँ आपको नीचे वाला एक नंबर में जो आपको देखो CSLS ऐप पब्लिशर आई डी है आपको, जो अगर आप कोई भी ऐप प्ले पब्लिक गूगल प्ले स्टोर में डाल चुके हैं उसके लिए है, ठीक है। चलिए मैं इसको कॉपी करके बताऊँ आपको इस तरह से, प्लस इसमें कॉपी कर चुका हूँ, ठीक है। नीचे वाला मैं बताऊँगा, नीचे वाला आपको दो नंबर दो ऊपर देख रहे हैं नीचे वाला इस पर आपको देखो CSLS ऐप सेलेस पब्लिश आईडी उसे कहते हैं जो अगर आपका ऐप कोई भी आपका अगर आप बना चुके हैं उसमें आपको गूगल प्ले स्टोर में नहीं डाल चुके हैं तो उसके लिए है। चलिए मैं इसको डन करता हूँ आपको, देखो ये देख रहे हैं नीचे आपको मेरा चार तरह का आईडी मेरा क्रिएट होगा आईडी डी देख रहे हैं नीचे आपको देख रहे हैं पूरा चार तरह का ये एक्टिव हो गया है, ठीक है। आपको कोई भी देख रहे हैं बना आई डी इंटेशल आई डी नेटिव एड रिवार्ड एड पूरा मैं चारों तरफ का आई डी इसमें क्रिएट हो गया, देखो कोई भी ऐप इसमें एक्टिव है सब इसमें चारों आई डी यूनिट, ठीक है। देखो अभी पूरा मैं देखो पूरा बता रहा है इस तरह से आपको, देखो मैं ऐप इसमें देखो मेरा भी इसमें आपको देख रहा है किसी भी कोई भी इसमें ऐड लगा सकता है, इसमें कोई भी ऐप में ऐड लगा सकते हैं, ठीक है। देखो आपको देखो टुडे का अर्निंग कितना आपको हुआ, आपको स्टार्ट आपको इसमें देख सकते हैं मंथली कितना हुआ, लास्ट मंथ कितना हुआ, इस तरह से आप देख सकते हैं। यहीं एंड करते हैं, तो फिर अगर आपको कोई भी परेशानी है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, मैं इसकी रिप्लाई जरूर दूंगा। तो फिर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर मैं चैनल पहली बार आया तो मैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो फिर आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।